तुम्हें सुनाई महिमा मंगलवार की। पवन पुत्र बजरंग बली श्री राम के सेवादार की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाई महिमा मंगलवार की। पवन पुत्र बजरंग बली श्री राम के सेवादार की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए महिमा मंगलवार की। पवन पुत्र बजरंग बली श्री राम के सेवादार की। सातों दिन है पावन लेकिन मंगल अति शुभकारी है। विघ्न विनाशक कष्ट निवारक मंगल मंगलकारी है। मंगल दिन है हनुमान का हनुमान सर्वोत्तम है। जिनके हृदय में क्षण प्रति क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम की शरण जो आता मंगलमय हो जाता है। कष्ट कलेश मिटे जीवन का सुख वैभव वो पाता है। मंगलमय हनुमान की तुमको पावन कथा सुनाता हूँ। हनुमान के सरल हृदय का उत्तम रूप दिखाता हूँ। उत्तम रूप दिखाता हूँ। बली हनुमान का कष्ट निवारण करते हनुमत वहाँ पे हर इंसान का। सिद्ध पीठ है हनुमान की सिद्ध बली कहलाते हैं। वहाँ पे हर आने वालों के कष्ट सभी मिट जाते हैं। कष्ट सभी मिट जाते हैं। मरघट वाले बाबा जी का किस्सा एक सुनाता हूँ। भक्त एक था बाबा जी का उसके घर ले जाता हूँ। बजरंगी था नाम भक्त का दिल का भोला भाला था। बजरंगी बजरंग बली की सेवा करने वाला था। सेवा करने वाला था। मंगलवार का व्रत रखता था प्रतिदिन मंदिर जाता था। भक्ति में डूबा रहता था भजन कीर्तन गाता था। छोटा सा परिवार था उसका पत्नी पुत्र और माता। था अपने परिवार से या फिर मरघट वाले से नाता। मरघट वाले से नाता। बजरंगी का बालक भक्तों सारे घर का तारा था। सबके दिल की धड़कन था वो सबका राज दुलारा था। उम्र अभी थी बाली उसकी वो स्कूल में पढ़ता था। घर में वो अक्सर
अक्सर ही अपनी दादी के संग रहता था। दादी के संग रहता था। बेटे का था नाम राम, पत्नी का राजकुमारी था। पत्नी देखते घर के काम को, उसका पति पुजारी था। बेटा पढ़ने में आगे था, अच्छे नंबर लाता था। घर में भी पढ़ता रहता था, कहीं ना आता जाता था। बजरंगी प्रतिदिन प्रातः यमुना स्नान को जाता था। करके वो स्नान नियम से प्रतिदिन मंदिर जाता था। छुट्टी थी स्कूल में एक दिन, बहुत बड़ा त्योहार था। हनुमान जी का दिन था वो, उस दिन मंगलवार था। उस दिन मंगलवार। यमुना जी में डुबकी लगाने बजरंगी संग राम गया। प्रातः काल पिता के संग में करने वो स्नान गया। दोनों उतर गए यमुना में, दोनों साथ नहाने लगे। यमुना जी के पावन जल में दोनों डुबकी लगाने लगे। दोनों डुबकी लगाने लगे। धार थी यमुना जी की, बहुत अधिक गहराई थी। फिसल गया था पांव राम का, मिट्टी में चिकनाई थी। बजरंगी कुछ समझ न पाया, डूब गया बेटा उसका। आगे बढ़ा बचाने लेकिन छूट गया बेटा उसका। छूट गया बेटा उसका। कह के चिल्लाए यमुना के तट बजरंगी। कोई नहीं था आस पास में जिसे बुलाए बजरंगी। छाती पीटे माथा फोड़े, हालत हो गई पागल सी। रो रो आंसू सूख गए थे, आंखें हो गई काजल सी। आंखें हो गई काजल सी। पुकारे बजरंगी की मंदिर से आ टकराई। करुणामयी मरघट वाले की देखो भक्तों करुणाई। करुणामयी बजरंग बली का चमत्कार दिखलाते हैं। भेष बना के मल्लाहे का यमुना के तट आते हैं। यमुना के तट आते हैं। भेष में बाबा नाव चलाते आते हैं। बजरंगी को रोते देख के तुरंत उतर के आते हैं। पूछ
पूछ रहे हैं बजरंगी से, क्या हुआ क्यों तुम रोते हो? यमुना मैया बह रहे फिर क्यों आंसुओं से मुंह धोते हो? छाती पीटे बजरंगी कुछ बोले ना, रोता जाए भेद वो मन के खोले ना। मल्लाहा बन बाबा बोले, रोने का कारण बोलो, बहते आंसुओं से मुंह अपना धोने का कारण बोलो, धोने का कारण बोलो। के कांधे पे सिर रख के रोया बजरंगी, मेरा राम डूब के मर गया कह के रोया बजरंगी। मल्लाहा यूं बोला हंस के, राम को कौन डुबाएगा? पत्थर तेरे राम नाम के, राम को कौन डुबाएगा? राम को कौन डुबाएगा? यमुना में पल की देर लगाई नहीं थी, कूद गया वो यमुना में। बड़ी देर तक डूबा रहा ना, मल्लाहा बाहर आया, सोच सोच फिर अनहोनी के बजरंगी था घबराया, बजरंगी था घबराया। पल के पश्चात राम को लेकर निकला मल्लाहा, कांधे ऊपर उसे उठाकर बाहर निकला मल्लाहा। बाहर लाकर उसे लिटाया, धड़कन बंद हो गई थी, प्राणहीन हो गया था बालक, धड़कन बंद हो गई थी, धड़कन बंद हो गई। देख अपने बेटे को बजरंगी चिल्लाता है, क्यों लाया मैं साथ राम को, बजरंगी पछताता है। अगर बचाना मेरा बेटा, कसम है मर घट वाले की, प्राण त्याग दूंगा मैं अपने, कसम है मर घट वाले की, कसम है मर घट वाले की। मरघट वाला खड़ा सामने भेषधार मल्लाहे का, देख रहा वो नब्ज राम की भेषधार मल्लाहे का। प्राणहीन हो चुका राम था, मल्लाहे ने जान लिया, बजरंगी ने लाल को अपने मरा हुआ ही मान लिया, मरा हुआ ही मान लिया। प्रश्न खड़ा था राम नाम का मरघट वाले के आगे,
बजरंगी चला प्राण त्यागने, मरघट वाले के आगे करुणामय हनुमान के होते भक्त हार जाता कैसे। राम और हनुमान के होते भक्त हार जाता कैसे, भक्त हार जाता कैसे। मरघट वाले बाबा जी ने चमत्कार दिखलाया है, बजरंगी के बेटे को फिर हाथ में तुरंत उठाया है। पलट के बजरंगी के लाल को उसकी पीठ दबाते हैं, पानी निकाल के उसके पेट का चमत्कार दिखलाते हैं, चमत्कार दिखलाते हैं। प्रश्न खड़ा था राम नाम का मरघट वाले के आगे, बजरंगी चला प्राण त्यागने, मरघट वाले के आगे करुणामय हनुमान के होते भक्त हार जाता कैसे। राम और हनुमान के होते भक्त हार जाता कैसे, भक्त हार जाता कैसे। मरघट वाले बाबा जी ने चमत्कार दिखलाया है, बजरंगी के बेटे को फिर हाथ में तुरंत उठाया है। पलट के बजरंगी के लाल को उसकी पीठ दबाते हैं, पानी निकाल के उसके पेट का चमत्कार दिखलाते हैं, चमत्कार दिखलाते हैं। बजरंगी बेहाल खड़ा था मरघट वाले के आगे, नीचे उसका लाल पड़ा था मरघट वाले के आगे। चल गई धड़कन खुल गई आँखें धीरे धीरे राम की, बोलो मरघट वाले की जय, बोलो जय श्री राम की, बोलो जय श्री राम की। बैठ गया वो बेटा डूबा था हैरानी में, बोला मैं तो डूब गया था यमुना जी के पानी में। बजरंगी ने गले लगा के बेटे को बतलाया है, बन करके भगवान आ गए इन्होंने तुझे बचाया है, इन्होंने तुझे बचाया है। पुत्र उस मल्ला है के दोनों पाँव चूमते हैं, नाम आपका क्या है भाई बारंबार पूछते हैं। मरघट वाला हंस के बोला तुमको तो मैं जानता हूँ, भक्त हो तुम मरघट वाले के भली भांति पहचानता हूँ, भली भांति पहचानता हूँ।
पुत्र दोनों फिर वापस लौट के घर को आते हैं। जिन्हें भरोसा है बाबा पर, बाबा साथ निभाते हैं। लिखी कथा सुखदेव ने भक्तों अविनाश कर्ण गाते हैं। लिखने में हुई हो गलती कर जोड़ के शीश नवाते हैं, जोड़ के शीश नवाते हैं। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए महिमा मंगलवार की, पवन पुत्र बजरंग बली श्री राम के सेवादार की, श्री राम के सेवादार की, श्री राम के सेवादार की, श्री राम के सेवादार की। लाल देह लाली लसे और धर लाल लगूर, वज्र जय 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 कपीसु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
घड़ी चमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे, पाए भुजा असुर गले मारे, दाहिने भुजा संत जग तारे, पाए भुजा असुर गले मारे, दाहिने भुजा संत जग तारे, दाहिने भुजा संत जग तारे। आरती की जय की।